पूरी दुनिया में ऐसी बीमारी नहीं आई, लोगों की जिंदगी भी मुझे बचानी है, और लेकिन ये भी देखना है कि गरीब के घर में भी चूल्हा जलता रहना चाहिए, कोई बच्चा भूखा न मरे, किसी मां को आंसू न बहाने पड़े, घर में खाने की दिक्कत न हो। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को पिछले 1-1.5 साल से मुफ्त राशन पहुंचा करके गरीब के घर का चूल्हा मैंने जलता रखा है। माताएं बहने जब अपने बच्चों को थाली में खाना परोसती है ना, तो मुझे भी आशीर्वाद परोसती हैं। इससे बड़ा मेरे जीवन का सौभाग्य क्या होता है। स्वास्थ्य के लिए भी आज उत्तराखंड में, अभी अजय टमटा जी बड़े विस्तार से बता रहे थे, मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स तक बनाए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में बाबू जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का उदाहरण आपके सामने है। हमारी सरकार ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार का काम किया है। राज्य में 5 नए डिग्री कॉलेजों का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, प्रगति से लेकर पर्यटन तक विकास की इस यात्रा में अभी हमें बहुत आगे तक जाना है। हमारे सपने बड़े हैं, हमारे लक्ष्य बड़े हैं, इस पर हमें किसी भी हालत में वो पुराने वाली ब्रेक को वापस नहीं आने देना है। अगर वो आए तो समझ लीजिए ब्रेक लग गई। और क्योंकि मैंने देखा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात दशकों पहले हुई, लेकिन 2014 तक इसको कोई पूछने वाला नहीं था। आपने जब मुझे 2014 में सेवा करने का सौभाग्य दिया तो हमने तेज गति से काम शुरू किया, और 2017 में जब यहां डबल इंजन की सरकार आई तब तो मेरा काम करने का हौसला भी बुलंद हो गया, काम करने की गति भी बढ़ गई। और जो सोचते थे कभी पहाड़ों में रेल आएगी नहीं, आप देखना, आपकी आंखों के सामने देखोगे पहाड़ों में एक रेल नहीं अनेक रेल आने वाली है, इस क्षेत्र में भी आने वाली है। भाइयों बहनों, इस बार फिर लटकाने वाले लोग जनता को भटकाने के लिए फिर से बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं।